जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक कर्जे से उठे नहीं है, गलत हो रहा है यार, मारे जा रहे हम लोगों को, गलत है भाई, कोई तरीका नहीं है, इंसानियत नहीं रही इधर दुनिया में, ऐसा हो गया। क्या खाएगा आदमी, क्या करेगा, कैसे जिएगा भाई, मर मर के तो अभी खड़े हुए हम लोग यार, कैसा कर रहे हैं, क्या है लफड़ा, ये समझ में नहीं आता है। पैसा दे दो, घर में हम लोग बैठ के खाएंगे भाई। म्युनिसिपैलिटी के साहब है वो, हमारे ऊपर तो तुम पांच लोग व्यापारी एसोसिएशन के, उनके पास अरे बाबा सही बराबर है, तुम्हारी बात हम समझ रहे हैं, पर जो गवर्नमेंट के रूल है उसको फॉलो करना हमको। ऐसा नहीं होता है, गलत हो रहा है, मर जाएगा आपकी कारखाना का, यही बोलो खाना क्या खाएंगे वो बता दो, राशन की दुकानें चालू, लेकिन खरीदने पैसा नहीं है। आप दो मिनट खाली, अगर गवर्नमेंट दे रही है अकाउंट में पैसा तो बंद करेंगे हम लोग, बिंदास बंद करेंगे। थोड़ा भीड़ कम करो, अरे 8 बजे से जो बंद करे ना वो सही है, थोड़ा दूर चल ना बेटा, बोले मेरी बात समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात थोड़ा समझो। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी की गई है गाइडलाइन को संशोधित करते हुए सोमवार को दोबारा कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। ठाणे महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख के आदेश पर ठाणे के सभी नौ प्रभाग समिति में इस गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। आज सुबह मुमरा कौसा में मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे अपनी टीम के साथ व मुमरा पुलिस की टीम के साथ दुकानें बंद कराई है। नियम क्या है, गाइडलाइन क्या है, आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें, ये मुमरा शहर के गुलाब पार्क मार्केट है जिसे पुलिस और प्रशासन मिलकर बंद कराई है और उन्हें समझा भी रही है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, इसके पहले ही 8 से 9 महीने दुकानें बंद किए गए थे। हम लोग कोरोना से नहीं बल्कि भूखे मर रहे थे क्योंकि काम काज सब बंद थे, पूरी तरीके से लॉकडाउन थी। अब एक बार फिर ऐसे मौके पर बंद कराया जा रहा है जिससे हमारे सामने एक बार फिर संकट की घड़ी सामने आ गई है। व्यापारी दुकानदार काफ़ी आस लगाए थे, रमजान का महीना आ रहा है जिसमें उनकी रोजी रोजगार चलेंगे और हम अपनी परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। वही सरकार का कहना है लोगों की जान बचाना है, रोजगार गया तो वापस मिल जाएगी, जान जाएगी तो वापस नहीं मिलेगी। लोगों के तरह तरह के सवाल हैं। बहरहाल आज से मुमरा कौसा में मेडिकल सेवा, बेकरी, डेयरी, ग्रोसरी, मिठाई, डायग्नोस्टिक सेंटर छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगे। हम आपको सुनाते हैं मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके ने बंद के विषय पर क्या जानकारी दी है, कौन सी दुकान खुली रहेगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी और कब तक बंद रहेंगी। जिस तरह से सारी दुकानें आप बंद करा रहे थे, क्या जिया नया आया है, क्या गाइडलाइन जो है उसमें, क्योंकि जो पिछले जो उद्धव ठाकरे साहब ने जो आदेश दिया था, जो बता रहे थे वो अलग था और अब जो आप बता रहे हैं वो पूरी तरह से मतलब बंद करने की बात है, क्या है। नमस्कार। एक्चुअली कोरोना के बढ़ते केसेस देखते हुए जो गाइडलाइंस नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो माननीय आयुक्त साहब के मार्गदर्शन में हम उनका वो जो गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो वो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है ऐसा लग रहा है, तो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी जो रिवाइज गाइडलाइंस आए उस गाइडलाइन के मुताबिक 30 अप्रैल तक, यानी आने वाले 30 अप्रैल 2021 तक जो एसेंशियल सर्विसेस है, मतलब कि ग्रोसरी अन्न धान्य वगैरह रहेगी, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स रहेंगे, फिर मेडिकल रहेगा, ये जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स छोड़ के बाकी की सभी दुकानें हैं वो नागरिकों का में ना कोरोना का फैलाव रोकने के लिए, उनकी सेहत बरकरार रखने के लिए, उसके हिसाब से
वो जो बाकी की एजेंशियल सर्विस छोड़ के बाकी दुकान वो सब बंद रहेगी। तो उस एजेंशियल सर्विसेज में क्या आता है, मैंने आपको अभी बताया कि ग्रोसरीज आएंगे, फिर मेडिकल्स आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, कुछ बेकरीज है, बेकरीज भी आएंगे उसमें, और इस एजेंशियल प्रोडक्ट्स भी है, उस एजेंशियल प्रोडक्ट्स की दुकानें भी शुरू रहेंगे। तो उसमें उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि उनकी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा, उनके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उन्होंने वैक्सीनेशन किया, वो अगर एलिजिबल रहते हैं तो उन्होंने ठीक से टाइम पर वैक्सीनेशन करना चाहिए। यस, मैं सबको विनती करता हूँ कि ये सब गाइडलाइंस जो जारी किए हैं नागरिकों के भलाई के लिए किए हैं, तो आप सब क्या कहते हैं गवर्नमेंट को और महापालिका को सहकार्य करें इसमें। और एक बात है कि अपने यहाँ पे जो जिम्स वगैरह है, जिम से यानी सलून से, तो उनके ऊपर भी पाबंदी है, वो भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। फिर बात आती है रेस्टोरेंट्स की वगैरह, तो रेस्टोरेंट्स के वगैरह बात आती है उसमें हमने ध्यान में रखना कि ऑल रेस्टोरेंट्स एंड बार्स जो रहेंगे वो क्लोज रहेंगे, यानी टोटली क्लोज रहेंगे 30 अप्रैल। लेकिन वो पार्सल है और होम डिलीवरी जी की जो सेवाएँ है, वो पार्सल और होम डिलीवरी है, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक वो पार्सल्स और होम डिलीवरी दे सकते हैं। लेकिन रात के 8 बजे के बाद वीकेंड में सिर्फ होम डिलीवरी अलाउ रहेंगी, सो भी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। लोग वही जिस तरह से अभी आप मार्केट में गए थे, लोग भी आपसे सवाल कर रहे थे, मतलब कि जो उद्धव ठाकरे साहब ने जो बताया था, उन्होंने लाइव आकर फेसबुक के माध्यम से जो भी है न्यूजों के माध्यम से उन्होंने बोला था कि मतलब कि ये 3 दिन का जो है लॉकडाउन रहेगा, जुम्मा से शुरू होगा, और अब जो है लोग आपसे पूछ रहे हैं कि ये आगे का क्या प्रोसीजर है, जो जिस तरह से आप सारे दुकानें बंद कर रहे हैं, ये कहाँ से मतलब ये कभी आया आपके पास गाइडलाइन? ये गाइडलाइन जो है वो गाइडलाइन 4 तारीख को आ गई है शाम को, और कल उसमें तो थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी लोगों की तरफ वो एक गाइडलाइन जो है पहुँचा रहे हैं। मुंब्रा में देखा जाए तो मतलब बता रहे हैं कोरोना बहुत कम है, तो कितना अभी आंकड़े कितने आ रहे हैं मुंब्रा में कोरोना के? आंकड़े देखेंगे तो अभी फिलहाल जो आंकड़े है वो एवरेज 25 से 30 पर डे ऐसे आ रहे हैं, उसमें से कोई एक 4-5 आउटसाइड के भी रहते हैं, तो कुल मिला के एवरेज 25 तो हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये जो आपके पास जो जीआर आया है ये ठाणे जिले के अंदर मतलब जो 9 प्रभाग समिति ये सभी जगहों पर लागू रहेगी? यस, ये जीआर जो है ओवरऑल महाराष्ट्र लागू रहेगा, और अपने यहाँ पे माननीय आयुक्त साहब के मार्गदर्शन में या अपने ठाणे महापालिका में लागू, जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ कुछ बाबी को छूट दी हुई है। ये लॉकडाउन नहीं मगर दुकानें बंद रहेंगी? यस, जो एसेंशियल सर्विस करके छोड़ के बाकी सभी दुकानें फिलहाल तो बंद ही रहेगी, ये 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक रहेगा। तो आपने सुना सागर सालूखे ने क्या कहा है, एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं, एसेंशियल सर्विस छोड़ के बाकी सब बंद रहेंगे, जैसे जिम, स्विमिंग पूल, सैलून, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, शॉपिंग की दुकानें बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट बार बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवा छोड़ के सब बंद रहेंगे। मुंब्रा शहर के सैलून एसोसिएशन के लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर हम लोगों के लिए कुछ नया तरकीब बनाए ठाणे महानगर पालिका, ताकि हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और इसी मामले को लेकर जो है उन्होंने ठाणे महानगर पालिका के सहायक आयुक्त सागर सालूखे से मिले कि कुछ नया तरकीब होना चाहिए, कुछ बदलाव हम लोगों के लिए होना चाहिए, सुनिए उनका क्या कहना है। मोहिम भाई, आज आप लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं, पूरे सैलून वाले लोग जो है, क्या वजह है जमा होने की? सैलून एसोसिएशन के हम लोग तरफ से आए हुए हैं, हम लोग को गाइडलाइन दी गई है कि 25 दिन आप लोग का सैलून बंद करो, तो इसके लिए हम लोग गए थे पहले मुंब्रा पुलिस स्टेशन में, मधुकर खर सबके पास में, कि साहब ये प्रॉब्लम जो हो रही है प्रशासन की तरफ से, तो इसके लिए हमारे को क्या दिया जाएगा छूट इसके अंदर। तो मधुकर खर साहब ने बोले कि हमारी तरफ से कुछ भी छूट आपको नहीं मिलेगी, आपको पूरा तरीके से लॉकडाउन करना है। फिर उसके बाद में हम लोग आए हैं MMLE म्यूनसिपल्टी, यहाँ पे जो सहायक आयुक्त से बात किए, सहायक आयुक्त तो हम लोग ने बोले कि सर 25 दिन अगर लॉकडाउन करते हैं तो हमारे जो 400 दुकान है उसके 3,500 मेंबर है वो क्या करेंगे बैठ के, उनका कौन एडजस्टमेंट करेगा, कौन खाना पीना करेगा, प्रशासन तो उसकी जवाबदारी लेती नहीं है। तो इसके लिए हम लोग प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि हमको 25 दिन के बजाय हम एक दिन बंद, एक दिन चालू, एक दिन बंद करेंगे, और उसके अंदर हम लोग PPE किट, सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब का हम लोग ने हर दुकान के अंदर इंतजाम है कि मतलब कोई भी अगर हमारे पास आता है तो हम मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करते ही, और सामने लेकर टेम्परेचर चेक करके उसको दुकान में लेते। तो हमने अभी ये मांग के अभी हम लेटर दे रहे हैं कि हमको एक दिन आड़ हमको दिया जाए चालू करने के लिए, क्योंकि इतना लॉकडाउन हम लोग मार नहीं सह सकते। क्या आश्वासन दिए साहब ने? बोले आप लेटर दीजिए, मैं मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करता हूँ और आपको इसके बारे में मैं 1 से 2 दिन में बताता हूँ।